गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता, मैंने अपने जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देके मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल, उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता।